भाई पटी, तो यार क्या हाल चल। तो भाई आज किस धमाकेदार वीडियो में स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो नया अपडेट आने वाला है उसमें क्या चेंजेस हुई है। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते अपने पहले चेंज की तरफ। मैं आपको बता दूं, M249 जो हमारा गन था वो इस बार रिमूव हो चुका है, गेम से नहीं केवल ड्रॉप से रिमूव हो चुका है। जी हाँ, उसकी जगह एक नई गन आ चुकी है जो कि हमें ड्रॉप में मिलने वाली है। उसका नाम है MG3। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसका नाम MG3 है। ड्रॉप में मिलने वाली अलग से और नई गन आ चुकी है। ये इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, चौंक जाओगे, इसलिए ध्यान से ज़रूर सुनना। आपको बता दूंगी, ये केवल फ्रेड ड्रॉप में मिलने वाली है और इसकी खासियत ये है कि लगातार फायर कर सकता है अपनी एम की तरफ, वो भी 75 बुलेट्स को। जी हाँ, आप सोच रहे होगे कि हमारा M249 वो 100 बुलेट्स को फायर करता था। हाँ, लेकिन ये 75 बुलेट्स उससे ज़्यादा पावरफुली तरीके से डैमेज देने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें अलग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक नई फीचर आई हुई है कि इसमें हम लोग स्कोप अटैच कर सकते हैं। कौन सा स्कोप? 2x, 4x नहीं, इसमें हम स्कोप अटैच कर सकते हैं अपना 3x। ठीक है, 3x अपना स्कोप इसमें अटैच कर सकते हो। इसको चलाने का तरीका मैं आपको बता दूं, बिना रिकॉइल का बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको 6x स्कोप के साथ प्रोन हो जाओ। प्रोन होने के बाद भैया इसके जो नीचे गियर लगे होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, जो कि ज़मीन से अटैच हो जाते हैं। उसके बाद भैया क्या फायर, क्या बिना रिकॉइल के यार गजब का शॉट लगने वाला है। अगली चेंज की तरफ मैं चलता हूँ। अगली चेंज ये है कि थ्रोइंग हीलिंग कंज्यूमेबल्स आने वाले हैं। जी हाँ, आप सोच रहे हो थ्रोइंग हीलिंग कंज्यूमेबल्स क्या है, मतलब क्या फेंक सकते हैं। इसमें आप अपने हेल्थ किट्स को अपने पार्टनर को थ्रो करके दे सकते हो। अगर वो दूर खड़ा है तो उसे फेंक कर दे सकते हो, लेकिन इसे फेंकने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो स्क्रीन पर वापस आ गया लड़के। वापस क्यों आ गया भैया? ये गलत तरीका है, इस तरह नहीं फेंकना है। अब हमें बता दूँ कि कैसे फेंकना है। थोड़ी दूरी पर अगर रहेगा उसे तब देना है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज की तरफ चलते हैं। रैंकिंग फीचर में इम्प्रूवमेंट आई है जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बता दूँ कि टायर चेंज हुए हैं। हमारा क्राउन और एस के बीच में दो नए टायर आए हैं जिसका नाम एस मॉन्स्टर, एक मास्टर है और एस डोमिनेटर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगली बात मैं आपको बताऊँ, चैलेंज पॉइंट सिस्टम आया है इसमें। हाँ, आप सोच रहे हो चैलेंज पॉइंट सिस्टम क्या है। ये नई फीचर्स है, मुझे लगता है ये फ्री फायर का एक मतलब है तो उसमें से एक है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही पॉइंट मिला करते थे, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। ये पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब मैच एक अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट कर लोगे तो ये पॉइंट्स अब आपके माइनस होंगे, ना कि आपके रैंक माइनस होंगे। हाँ, इसलिए पॉइंट्स ज़रूर कलेक्ट करना। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीज़न सीरीज रिवॉर्ड जो हमेशा हम लोगों को मिलते हैं एंड में सीज़न के या सीज़न के ओपनिंग जब होती है तभी मिलते हैं, लेकिन ये हमें मिलने वाले जो कि बहुत कूल होने वाले इस बार, खबर पक्की है भाई। चलते फिर नेक्स्ट चेंज की तरफ। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐड हुआ है नया मैप मिशन लग रही है। ये गजब का मोड होने वाला है भैया। जॉर्जा पुल हो गया, टीच सेंटर हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी सेंसर हो गया और लॉजिस्टिक एजेंसी और एनर्जी सेंटर जो है, ये काफ़ी दिलचस्प अपडेट है भैया, बहुत मज़ा आने वाला है। देख रहे हो कितना कूल इफेक्ट लग रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें जो अगर आप भैया पबजी खेलते हो या पबजी की और भी वीडियो सामने देखी होगी उत्सुक हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या नई मोड आई हुई हैं। इसमें आपको ऑटो मतलब ऑटो ड्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आपने केवल मार्क कर दिया वहाँ तक आपको अपने आप पहुँचा दिया जाएगा। कि हाँ, अगली बात मैं आपको बता दूँ, हाइपर लाइंस क्या है ये देख रहे हो। फ्यूचरिस्टिक भैया क्या आके सामने रुक गई, ये है भैया एक छोटी सी ट्रेन है, एक कहें तो ट्रेन है जो आप मेरे स्टेशन से अगले स्टेशन तक मुझे ईजिली आसानी से पहुँचा सकती है, जो कि अपने आप में देखो स्टेशन पर ला के मुझे छोड़ दिया। ये फ्यूचरिस्टिक बहुत ही गजब की फीचर है। और अगली बात मैं आपको बता दूँ, सेमी ट्रक, इस ट्रक का नाम सेमी ट्रक है, जो कि बहुत कूल होने वाला है, क्योंकि भैया इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। कैसे भैया? जिसे हम जैसे ही डैमेज देंगे इसे हम बर्बाद कर देंगे, उसके बाद क्या होने वाला है हमें, देखो उसके अंदर से एक बॉक्स मिला, उसके अंदर भैया हमें इक्विपमेंट मिलेंगे, हेल्थ किट मिल सकती है और भी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा, ग्रेविटी फ्री मोटरसाइकिल इस बाइक का नाम है, G38 ग्रेविटी फ्री मोटरसाइकिल। ये भैया सोच रहे हो क्या है, देख रहे हो उड़ रहा है कैसे, बाइक जो ज़मीन पर नहीं चल सकती वो अब पानी में भी चलने लगी है। ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक बाइक बिल्कुल एकदम फ्यूचर की तरह है। अगली बात मैं आपको बता दूँ, एयर कन्वेयर है, ये क्या है, इसे हम रॉकेट लॉन्च जैसे करते हैं ना ऊपर, उसी तरह हम उसमें बैठ के एयर में उड़ सकते हैं। अगली बात मैं आपको बताऊँ, न्यू गन इसमें आई हो ASM बाकान, ठीक है, ASM अबाकान इस गन का नाम है, जो कि भैया ग्रीन वाली गोली आपको पता है जो कि स्कालर M416 में लगती है, उसकी M416 में लगने वाली। इसमें तीन तरह के ऑप्शन होने वाले हैं भैया, ब्रस्ट, सिंगल और ऑटो पे ये चलने वाली है गन। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि क्या क्या नई चेंजेज हुई इसमें। मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें सारे जो है ना, इसमें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर आप गेम खेलोगे ये तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपको पता था या नहीं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगली बात मैं आपको बता दूँ कि सर्चिंग डॉग, ये पेट्रोल डॉग है, इसका नाम पेट्रोल डॉग है, क्या होने वाला है इसका काम, इससे हम
रेयर आइटम को लोकेट कर सकते हैं, ये हमें बताएगा कि कहाँ पे है। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल मार्किंग डिवाइस है, इसका क्या काम है भैया। टेक्निकल मार्किंग डिवाइस का काम ये है कि अगर आपका बंदा, आपका जो टीममेट है वो फाइट कर रहा होगा, तो कहाँ कर रहा है, कौन उसे मार रहा है, या बंदे जो एनिमी है उसकी लोकेशन क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट आप वीडियो पे देख रहे हो, इसका नाम रियॉट शील्ड है। देख रहे हो ये क्या है, ये रियॉट शील्ड। इसका ये मैं वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि इससे भैया बाइक या कार जो भी आके टकरा जाए, इसे कोई फर्क घंटा नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसका इस्तेमाल भैया अच्छे एंगल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसे एक बार लगाने के बाद ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ठीक है, देखो आसानी से नहीं टूटा है ये भैया, बहुत बार इसे फायर करना पड़ा। अगली बात मैं आपको बता चाहूँगा कि इसमें इम्प्रूव हुआ है, कॉम्बैट सेटिंग जो होती है उसमें इम्प्रूव है। ठीक है, एक बंदूक की सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते हैं, पता है, जैसे कि गन की आपकी कोई एक गन है उसकी सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से आपको कैसे चलाना है। ठीक है, कुछ लो स्पेसिफिक जो होते हैं ना डिवाइस होती है उनको स्मूथ से, ठीक है, मतलब उनको स्मूथली कैसे उनके में डिवाइस में चले, उसके लिए भी ये 90 FPS कर दिया गया है। अगली बात मैं बताऊँगा कि ADS ग्रायस्कोप सेंसिविटी को बढ़ावा दिया गया है। भैया इसको देख रहे हो, रिक्वायल देख रहे हो, बिल्कुल इसे ऑन कर लेना यार, बहुत मजा आने वाला। अगर तुम पबजी खेल रहे हो तो इसे ऑन करने के बाद देख रहे हो, बिल्कुल भी रिक्वायल नहीं हुआ, आसानी तुम बंदे को स्पॉट कर दोगे। इस समय तुमको पता होगा क्या चल रहा था, AWM चलो, बिल्कुल रिक्वायल नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये आपको बताना चाहूँगा, पिकअप का ऑप्शन जो रहता था ना कि भैया हम छोड़ देते थे किसी, जैसे हमें स्कोप नहीं चाहिए था, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी, तो हम उसे छोड़ देते, लेकिन वो फिर दोबारा पिकअप हो जाता है। यहाँ देखो ऑप्शन हो चुका है डू नॉट पिकअप, ठीक है, द ड्रॉप आइटम। यही होगा कि अब जब आप पिकअप कर, मतलब ड्रॉप कर दोगे, उसके बाद वो दोबारा पिकअप नहीं होने वाला है। ठीक है, उसमें आप ये है कि इसमें से अटैचमेंट, मैं तो अपने आप से अटैचमेंट सेट कर सकते हो कि कौन सी में कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए कौन सी नहीं, उसके बाद सारी चीज़ों को आप ड्रॉप कर सकते हो, और कहाँ पे होनी चाहिए सारी चीज़ें भी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, अगली बात मैं आपको बताऊँगी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, प्रिसिपेटिक कैमरा व्यू। इसका मतलब ये है भैया, जैसे आप चल रहे हो, चलते जा रहे हो ना, आपका जो थर्ड पर्सन था, हाँ, जैसे कि कोई दूसरा हमारे मैच को देख रहा है या हम किसी के मैच को देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ है। और एक अगली बात मैं कि बैलेंसिंग ऑफ लॉन्च है, बैलेंसिंग ऑफ लॉन्च ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जब FPP मोड या कुछ करते हैं तो उसका जो फायर हम लोग करते हैं, या जैसे अभी मूवमेंट करते समय सिटिंग अप डाउन, सिटिंग अप डाउन करते समय चलते हैं, उसमें भैया मूवमेंट को ठीक रखा गया है, इस बार अच्छा कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो रुक जाता था, ठीक है, रुक जाता था। और हीलिंग करते समय, ठीक है, जैसे हीलिंग हम लोग कर रहे हैं उसी समय कुछ सामने आ जाता तो वो पिकअप हो जाता था, अब इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। अगली बात मैं आपको बताऊँ कि जैसे है ना कि आपके एक गन की एमो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट गन अपने आप उसमें आ जाएगा भैया आपके हाथ में। अगली बात मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हो, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है, एम्यूनिएशन कलरिंग जो है, देखो अभी ये वाइट थी, अब येलो हो गई है, अब रेड हो गई है। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी गोलियां 10% 50% से कम होगी, वो अपने आप कम होती जाएगा। उसके बाद टीम मेंबर इंगेजमेंट स्टेटस आने वाला, देख रहे हो तुम, दो नंबर को मेरे क्या हो रहा है, उसे डैमेज हो रही है, तो मुझे इस तरह पता चल जाएगा कि वो क्या होगा। अगली बात मैं आपको बताऊं कि रंगल और मीरामार में कांच, मतलब विंडो ऐड की गई है, वो भी ग्लास के, ठीक है। अगली बात जो रॉयल पास है, ठीक है, रॉयल पास को अब 2 महीने के से बदल के 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और क्लैन पीके तो आपको सबको पता है भैया, क्लैन तो हमें पूरा करना पड़ेगा अपने टीममेट्स के साथ खेलकर, ठीक है। अगली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप विनर चिकन डिनर करते हो या जब आप जीत जाते हो, ठीक है, तो आपको ये स्टैचू देख रहे हो, स्टैचू मिलने वाला है ना। अरे सबसे गजब की और सबसे कूल की बात ये है कि देख रहे हो मिनी टीवी रे है, इसका नाम NPC मिनी टीवी रे है, ये आपको लॉबी में मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कूल है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कि इसे हम टॉपअप कराने के बाद ले सकते हैं या वैसे ही, लेकिन लॉबी में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये आपको ये मतलब इंडिकेट करता है, नई नई अपडेट के बारे में इंडिकेट करेगा आपको, ये बताएगा फिर कहाँ जाना है, ये रास्ता आपको इंडिकेट करेगा कि क्या आपको अभी इस समय खेलना चाहिए लॉबी में। एक बात मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये आपके साथ ना प्रैंक भी कर सकता है, हाँ, ये आपके साथ प्रैंक भी कर सकता है, देख रहे हो, और हंसी के अच्छे समझ के लिए जाना जाता है, मतलब गजब है यार ये मुझे बहुत प्यारा लगा था यार। तो मैं आपको जाहिर सी बात अब कहूँगा कि यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी ऐसी आगे की कंटेंट आपको ज़रूर मिलने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय।